सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देश में चल रही इस ऑनलाइन स्कैंडल के सबसे बड़े रहस्य से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। ब्लैकमेलिंग कंपनी का सबसे बड़ा राज फाश होने जा रहा है। ये वो हकीकत है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जब इसे आप जानेंगे ठग गिरोह से, तभी आप बच पाएंगे। सावधानी ही बचाव है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के इस खेल को एक लड़की अंजाम देती है, मतलब ये कि सब कुछ एक लड़की करती है। सामने लड़की अश्लील हरकतें करती दिखती है, लड़की की आवाज सुनाई देती है, लड़की ही फोन पर पैसे मांगती है, पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देती है। लेकिन ये हकीकत नहीं है, जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि इस पूरे खेल में लड़की कहीं है ही नहीं, सिर्फ लड़की का नाम है, लड़की की तस्वीर है, लड़की का वीडियो है, लड़की की आवाज है, पर असल में ठगी के इस पूरी पिक्चर में लड़की है ही नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों की नजर आती है, जो वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतें करती है, आखिर कॉल पर जो आवाज सुनाई देती है वो किसकी होती है, वो सुनने में लड़की की आवाज क्यों और कैसे लगती है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? इन सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम देने जा रही है। ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। इन वीडियो में नजर आने वाली न्यूड लड़की असली लड़की नहीं होती है, दरअसल एक ये पॉर्न क्लिप होता है जिसको ये गैंगस्टर कुछ इस तरह चलाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि यह असल में कोई लड़की यहाँ पर मौजूद है। और इसमें जो पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं वो छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें होती हैं, क्योंकि असल में उनकी आवाज़ लड़कियों जैसी लगती है और इसी का फायदा वो गैंगस्टर उठाते हैं। ये गैंग मासूम बच्चों का इस्तेमाल करता है, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, उनसे अपराध करवाया जा रहा है, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उनके हाथ में गुनहगार पैसे के लिए गुनाह वाला मोबाइल थमा रहे हैं। जो घर में यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं, बच्चे हैं 10-12 साल के, उनको ये उनसे वीडियो वॉइस कॉल कराते हैं पहले, क्योंकि एक छोटे बच्चे की आवाज़ ऑलमोस्ट एक लड़की की तरह होती है, तो बात करता तो वो समझ जाता है कि शायद एक लड़की है, लेकिन उसके पीछे एक लड़का ही होता है। सिर्फ लड़की ही फर्जी नहीं होती, बल्कि इस खेल में सब कुछ फर्जी होता है। अगर कुछ असली होता है तो पीड़ित और उसका पैसा। जिस फेसबुक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है वो फर्जी होती है, जिस व्हाट्सएप नंबर से वीडियो कॉल आता है वो चोरी का होता है, जिस अकाउंट्स में पैसे मांगे जाते हैं वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए खुलवाए जाते हैं। पहली चीज तो है जो सिम कार्ड, जो किसी भी ऐसे क्राइम में चाहिए। दूसरा बैंक अकाउंट भी ये फर्जी केवाईसी पर क्रिएट करते हैं, उसमें भी वही अननोन ऐसे लोग जो जिनके आइडेंटिटी यूज़ करके ये किसी भी बैंक्स के अकाउंट खोल लेते हैं और उसमें फिर पैसा होता है, और उस पैसे को या तो एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर लेते हैं या किसी और अकाउंट में बाहर भेज देते हैं। सब कुछ फर्जी होता है, इसलिए गुनहगारों का पता लगना, उन तक पहुंचना, उन्हें गिरफ्त में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर राज्यों की पुलिस आजकल इसी चुनौती का सामना कर रही है। सीधे चलते हैं वरुण के पास। वरुण, ये तो बेहद बेहद गंभीर मामला है कि बच्चों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। आपने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया? ये बच्चे कहाँ से अरेंज किए जा रहे हैं, कितनी तक इनकी उम्र है, और इनको ट्रेन किया जा रहा है इस काम के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे जरूरी बात यही सामने आई जब हम ग्राउंड पर उतरे, तो पहले तो हमें लगा कि शायद कोई व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो कि टेक्निकली बहुत साउंड होगा, वो इस तरह के काम कर रहा होगा। लेकिन जिस तरह से अब जब हमने पता करने की कोशिश की कि क्यों हर राज्य की पुलिस को एक ही जगह पर पता चलता है कि यहां पर वो अपराधी बैठा है, फोन ट्रैप किए जाते हैं, लेकिन अपराधी की जगह कहां आती है, हर बार राजस्थान के इन जिलों, तो उसके बाद से जब हमने पूरी रिसर्च की तो ये पता लगा कि ये जो गांव में इस तरह का काम कर रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, शायद वो बहुत फोन चलाना भी अच्छे से नहीं जानते होंगे, लेकिन अब उन लोगों को, उन युवाओं को, उन बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपको सामने वाले से पैसे लेने हैं। इसमें एक बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व होता है जो दिन भर उनको ट्रेनिंग देता है, शाम के समय चैटिंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, इसका पूरा एक तैयार किया जाता है चिट्ठा। उसके बाद जब वो आवाज निकालने वाली बात आती है, यानी कि जो क्लिप्स के पीछे से अगर आपको आवाज निकालनी है तो वो बच्चों की आवाज का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो ऐसा लगे कि वो लड़की की आवाज है। और इसमें सबसे अहम यही था कि छोटे छोटे बच्चे और युवा अगर अहम इसमें
हमको मिले हुए पाए गए हैं। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग है कि 16-17 साल भी नहीं, आप सोचिए वो 8 और 9 साल के बच्चे इस चीज में है, क्योंकि उन्हें क्या किया जाता है, गांव वाले बताते हैं कि उनको 50-50 रुपए दिए जाते हैं और उनसे इस तरह की आवाज निकाल के उनको वापस घर भेज दिया जाता है। उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी जो अपराधी थे, सबसे जरूरी एक सेकंड आपको मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, 8 से 9 साल के बच्चों को ऐसे काम के लिए ट्रेन किया जा रहा है। देखिए गांव में जिस तरह का सिस्टम होता है, लोग एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं, लोग एक दूसरे बच्चों को जानते हैं, कौन किस परिवार का है ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना हो रही है तो वो क्यों रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, पुलिस उस तक अब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है इसका जब हमने समझने की कोशिश की, तो जब हम उन जिलों में पहुंचे तो पुलिस कहती थी कि हमें इस गांव में लोकेशन मिली है, हमें पता है इस गांव में अपराधी है, लेकिन कौन से घर में है इसके बारे में पता लगाना मुश्किल हो जाता था। और यहां पर सबसे बड़ी बात थी, ये अपराधी 6-6 फुट के गड्ढे खोद के, यानी कि उसी फोन से जिस फोन से वो इस तरह की हनी ट्रैपिंग का काम कर रहे हैं या फिर पैसे अटने काम कर रहे हैं, वो दिन में तो उनके हाथ में रहते हैं, पूरे दिन फोन चलाते हैं जब ट्रैक होता है, लेकिन जब उनको ट्रैक करते हुए जब पुलिस गांव में आती है तो उसको 6-6 फुट गहरे गड्ढे में फोन को गाड़ देते हैं। ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए, तो इन लोगों को पूरी जानकारी दी है, उनको बताया गया है कि आपका फोन ट्रैक हो सकता है और ट्रैक होगा तो आपको उससे किस तरह से बचना है। एक व्यक्ति बाहर शहरों में जाकर ट्रेनिंग लेकर आ रहा है और गांव वालों को दे रहा है, क्योंकि यहां पर उसके पैसे बहुत कम लगेंगे। वो सिर्फ लोगों को ये कह रहा है कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो मैं आपको दिन के 200 रुपए दूंगा, और उनसे कुछ भी करवा रहा है। और बच्चों की अगर हम बात करें, 8 से 10 साल के बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उनको वैसे भी नॉर्मली एक वीडियो आप नॉर्मल बनवा लिए बच्चे का, उसको लगेगा शायद देखिए मैं कैमरे पर नजर आ रहा हूं, लेकिन इसी तरह की आवाजें और बच्चों को बहला फुसला कर एक तरीके के, और 8-9 साल के लोग थे, 10 साल के बच्चे थे, उनसे हमने बातचीत की। माइनर्स होने के कारण हम उनको नहीं दिखा सकते, उनकी बातचीत भी किसी को नहीं सुना सकते, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हाँ वो अंकल आते हैं, हमें बोलते हैं कि आपको ये बात करनी है, इस तरह की बातें करनी है, इस तरह की आवाजें निकालनी है, और वो नॉर्मली कर देते थे, शायद उन बच्चों को इस बारे में जानकारी भी नहीं। हमारी यही उम्मीद है वरुण। देखिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर देश के सामने लाई है, कम से कम राजस्थान सरकार पुलिस प्रशासन की नजर इस खबर पर पड़े और इस तरह का काम जो हो रहा है बच्चों के हित में अब आगे प्रयास किए जाएं, क्योंकि 8 से 9 साल के बच्चों को इस तरह के अपराध की जद में आने से बचाया जाना चाहिए।